What's up guys, कैसे हो आप लोग? A new day and a new start. So today we are going to head out and the plan is to go to Path Paver store. Basically, I had given my bike to someone to try while I was on a ride with him and he was taking a U-turn at the Jewar Toll Plaza and वहाँ पे he just tipped over the bike and because of that the handle got bent a little bit. It's not a major bent but थोड़ा सा ऐसा बेंड हुआ हुआ है एंड बाइक चलाते समय वो बार बार ना बेंड दिमाग में रहता है यार कि हैंडल थोड़ा सा बेंड है तो होपफुली वहाँ जाके कुछ सोल्यूशन पता लगे. आई होप पूरा का पूरा हैंडल बार ना चेंज करना पड़े बिकॉज अगर वो करना पड़ गया तो लंबा खर्चा होगा. एक और छोटा सा पंगा हुआ पड़ा है, पता नहीं इतनी उम्र में भी एक विजडम टूथ आ रहा है मेरा जिसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन चल रहा है दो दिन से दांत में बहुत ज़्यादा. आई मीन रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही है तो होपफुली आज मैं उस विजडम टूथ को भी निकलवाऊंगा. मैं आप लोगों से कल इस बारे में बात कर रहा था कि अगर आप अपनी बाइक चलाते हो तो आपको हमेशा गियर प्रॉपर पहन के चलानी चाहिए यार. तो जैसे आज आप देख रहे हो आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ 45 किलोमीटर राइड वन साइड टू दिल्ली इन ओखला. चाहता तो मैं अपनी नॉर्मल जीन्स पहन के जा सकता था बट व्हाई डू इट मैन. अगर आपके पास ऐसी गियर है विच इज मेड फॉर द सीजन दैट यू आर राइडिंग इन तो व्हाई नॉट वेयर इट कम्प्लीटली. मुझे इस पैंट में बहुत कंफर्टेबल लगता है. आई मीन ट्रस्ट मी, जीन्स में कोई वेंटिलेशन नहीं होती. जो हमारी वेंटिलेटेड प्रॉपर पैंट्स होती हैं जैसे दिस वन, इसमें अच्छी खासी वेंटिलेशन होती है. तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ बाइक चलाते समय कि मैं शॉर्ट्स पहन के चला रहा हूँ. टू कपल विद दैट, ये जो फॉर्मा ADV बूट्स हैं मेरे पास विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years नाउ, दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. बहुत कंफर्टेबल है वॉक करने में. सो अपनी राइडिंग गियर को चूज कर समय ना ये सारी चीज़ें ध्यान रखना. सिर्फ उस पर्टिकुलर राइड के लिए मत राइडिंग गियर लेना जो आपने साल में एक बार करनी हो 5-6 दिन के लिए. राइडिंग गियर ऐसी लेना जो आप पूरे साल सीजन के हिसाब से पहन पाओ, तभी राइडिंग गियर का फायदा है यार. तो राइडिंग गियर ऐसी लो विच इज़ यूजेबल ऑन अ डे टू डे बेसिस. जैसा मैं आपको कल कह रहा था, राइडिंग गियर आपको सेफ्टी तो देती है बट देन यू लुक लाइक द पार्ट. और मुझे ऐसा लगता है ऐसा पहन के तो यार बंदा स्मार्ट ही लगता है यार. सो वी आर ऑल सेट. अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी हो गया है, काफी दिनों बाद यूज करेंगे और अब बाइक पे चलते हैं. सो इस ठंडी ठंडी जगह पे हमारी ब्लैंका पार्क्ड है. ये देखो काफी दिन से चला ही नहीं है तो थोड़ी बहुत डस्ट इकट्ठी हो चुकी है. सो ऑल सेट. गर्मी हो रही है काफी ज्यादा, हेलमेट पहनते समय भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार कि क्यों पहन रहा हूँ मैं हेलमेट. बाहर निकलेंगे थोड़ी सी हवा लगेगी एंड आई एम श्योर उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा. आउट इन द ओपन, द टाइम राइट नाउ इज 1:20 एंड आई शुड बी देयर बाय 2 PM मैक्सिमम. राइड कर समय आई फील दैट द हैंडल इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट. सो आप ये देख रहे होंगे जाना के क्रैश गार्ड पे मैंने एक गोरिल्ला पॉड माउंट किया हुआ है. कोई फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियो लेने के लिए नहीं करा हुआ, सिंपली मेरे पास कोई जगह नहीं है तो मैंने इसको इधर ही घुमा फिरा के माउंट कर दिया है जिससे ये टिका रहे और मुझे जैकेट के अंदर कहीं ना इधर उधर लगाना पड़े ट्राईपॉड को. एंड आई नो यू गाइज आर वेटिंग फॉर द वीडियो अबाउट माई इसुज़ू वी क्रॉस. ट्रस्ट मी, आई एम ऑन इट, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड आई प्लान टू शूट इट दिस वीकेंड. सो अगले ट्यूजडे वेडनेसडे तक वो वीडियो आएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द इसुज़ू. मैं अपनी इसुज़ू की बहुत ज़्यादा फोटोज डालता नहीं था इंस्टाग्राम पे, 23 Rides पे. आई वॉज नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ फोटोज देयर बिकॉज आई थॉट यू गाइज विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन सीइंग ब्लैंका माई टाइगर 800. बट द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉट, आई थिंक आई विल बी डूइंग रेगुलर पोस्ट अबाउट माई इसुज़ू एज वेल. एंड यू सेंट अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस, 170-180 क्वेश्चंस मेरे पास आए थे एंड ऑब्वियसली थोड़े बहुत रिपीटेड भी थे. सो वॉट आई विल ट्राई टू डू इज मर्ज ऑल दोज क्वेश्चंस एंड आंसर अ गुड 15-20 क्वेश्चंस. तो थोड़ा सा अच्छे से बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए एंड आई होप आप लोग मेरे साथ बेयर करोगे नेक्स्ट ट्यूजडे तक. फन मैन, ये फन कहाँ आता है? ये फन तो यार टाइगर में ही आता है. सेट है मामला, आराम से बैठो, अपने आप चल रही है 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे हमारी ब्लैंका.
कावंदी कुंज पे लीन करते हुए एंड ओखला की तरफ बढ़ते हुए। सो 121 पे हमने स्टार्ट किया था, 145 हुए हैं, 121 टू 145, 24 मिनट्स में हमने एक्सप्रेस वे ख़त्म वदम करके हम कालंदी कुंज आ चुके हैं। आ गए डिज्नीलैंड में। सो बेसिकली वी आर एट द स्टोर नाउ एंड हैंडल का आई थिंक कोई मेजर इशू नहीं है। कौन सेट या ट्राई सेट कुछ तो बोला है पीयूष ने, उसमें बस उसको चेंज करना है थोड़ा सा और बाइक का हैंडल ठीक हो जाएगा। 1-2 mm का टिल्ट है, ज़्यादा मेजर है नहीं, अच्छी बात यह है। बस यही वाली ट्यूनिंग करनी थी राइजर्स के इधर से जो कर रहे हो आप। बस ज्ञान बांट रहे हो भाई साहब हेलमेट के नाम पे। ये कौन सा है, 60,000 वाला? नहीं, वो 60,000 रुपए का है। इसमें आप ये बी हटा दो, रिमूव दिस, 60,000 रुपीज ओनली। वाह, ये कौन सा मॉडल है? AX9। कितने का है भाई? एक्चुअली रेट सुन के मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को लाइक कर रहा हूँ नहीं कर रहा। मैंने वहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचा। ओवरऑल इन्होंने लाइनिंग में तो काफ़ी ऐसे कंफर्ट टाइप का दिया हुआ, माइक्रो फाइबर ऐसा लग रहा है मेश। ओके भाई, ये क्या मतलब है, बंदा फोन पे बात कर रहा है और तुम ये क्लाइम की वेंटेड सॉक्स आके पकड़ा दिए हैं, मतलब खर्चे नए नए। अबे चल, क्लाइम की वेंटेड सॉक्स 1700 रुपए की। बड़ा मजा आ रहा है मुझे ना एक नया प्रोडक्ट रिकमेंड करते हुए। फटेगी नहीं इसमें आपके एस प्रोटेक्टर भी, अलग से दिखाओ कहाँ है वो। ये अलग से पीछे से। ये जीन्स है 25,000 की, 24,600, क्लाइम 52। ये ले ले भाई, ख़त्म कर, हेलमेट बाद में, बाद में भाई लेके जाएगा तू, आज लेके जाएगा, कुछ तो खरीदेगा भाई। डिज्नीलैंड में आया तो झूले तो झूल के जाने पड़ेंगे। बाद में मेरे जिंदगी में सपना है ये वाले ग्लास खरीदना, ये वाला सपना, आज सपना सपना, ये आपका भाई पूरा करेगा सपना। ओके गाइज, सो वी आर डन विद ऑल द स्टफ़ डैट वी इंटेंडेड टू डू। यहाँ पे मैं आया था सिर्फ हैंडल बार को सीधा कराने, वो तो आई थिंक यहाँ पे एक दो सेटिंग्स करी हैं तो हैंडल बार तो सीधा हो गया, दैट इज़ डन। अब और क्या क्या हो गया, हमने इंजन ऑयल की हालत देखी थी, इंजन ऑयल जो था थोड़ा सा काला हो चुका था, तो इंजन ऑयल पूरा चेंज हो गया, साथ में ऑयल फिल्टर भी चेंज हो गया। एंड उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से एक बार ढंग से साफ़ करवा ली चेन, बिल्कुल चकाचक चेन, स्प्रॉकेट क्लीन हो गया सब कुछ। और साथ में मुझे अपने सेना हेडसेट के स्पीकर ख़राब हो गए थे, वो अपग्रेड करने थे तो वो कर लिए। सोचा तो सिर्फ हैंडल ठीक कराने का था, बट एक तरह से मिनी सर्विस हो गई बाइक की, क्योंकि एयर फिल्टर हमारा ऑलरेडी बहुत ही सही कंडीशन में है, ऑयल फिल्टर चेंज हो चुका है, ब्रेक्स बढ़िया हैं, इंजन ऑयल पूरा बदल गया, तो वी आर काइंड ऑफ ऑल सेट टू राइड Anywhere now. So that's it. अब यहाँ से आई हैव टू गो टू अ काइंड ऑफ अ डेंटिस्ट एंड गेट अ विजडम टूथ रिमूव्ड। पेनफुल प्रोसेस होगी थोड़ी सी, बट करानी है तो ये काम कराना ही पड़ेगा, तो उसके बाद लगता नहीं है मैं कुछ बात कर पाऊँगा आप लोगों से, और उसी के साथ साथ हमारा दिन भी वहीं ख़त्म हो जाएगा यार, वहाँ से सिर्फ घर जाना है राइड करके। A few moments later.